हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज हम जानेंगे क्या होगा अगर सारी दुनिया के लोग अचानक से शाकाहारी, वेजिटेरियन या वेगन बन जाते हैं तो, और साथ ही जानेंगे इन सवालों के जवाब। अगर ऐसा हुआ तो इससे आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी? क्या वेजिटेरियन डाइट हमें क्लाइमेट चेंज से बचा सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो इससे वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा? आप ये सारी बातें जानोगे इस वीडियो में, तो अंत तक देखना पूरे ध्यान के साथ। अगर दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता दूं, इस वीडियो से हम किसी की भावनाओं और उनके सेंटिमेंट्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। ये वीडियो बेस्ड है सिर्फ फैक्ट्स पर। हम इस वीडियो में सिर्फ एजम्पशन करने वाले हैं, एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट बस। चलिए बढ़ते हैं। इस वक्त वर्ल्ड की 8% पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, जिसमें वेगन और सेमी वेजिटेरियन भी शामिल है। अगर दुनिया के सारे लोग रातों रात वेजिटेरियन बन जाते हैं तो इसका असर आपकी हेल्थ पर दिखना शुरू हो जाएगा। वैसे तो वेजिटेरियन डाइट हेल्दी होती है शरीर के लिए, लेकिन ये 7 न्यूट्रिएंट्स की भारी कमी आ जाएगी आपकी बॉडी में, जैसे विटामिन B12, क्रिएटिन, कार्नोसाइन, कोलेकैल्सिफेरॉल जिसे विटामिन D3 भी कहते हैं, डोकोसाहेक्सोनोइक एसिड DHA, हेम आयन और टाउरिन। ये सारी चीज़ें नॉन वेजिटेरियन डाइट से आपको आसानी से मिल जाती है। लेकिन जब सारे लोग वेजिटेरियन बन जाएंगे, इन न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें कोई दूसरे सोर्सेज बनाने होंगे, ताकि हमें ये न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा बल्क में मिल सके। और साथ ही ये न्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, इनकी मात्रा भी पूरे तरीके से पूरी नहीं हो पाएगी हमारी बॉडी में सिर्फ वेजिटेरियन डाइट से। एग, मीट, चिकन वगैरह ये सब चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं रह जाएंगे। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सोए, लेंटिल्स और बीन्स खाने पड़ेंगे। पर रिसर्च और स्टडी ये कहती है, अगर आप प्रॉपर वेजिटेरियन डाइट पर रहोगे काफ़ी लंबे अरसे से, तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम जाएगा, जिसकी वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, टाइप 2 डायबिटीज़ और कुछ तरीके के कैंसर्स, ये सब होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। अगर इस चीज़ के एंगल से देखें तो सारी दुनिया जब वेजिटेरियन हो जाएगी तो ग्लोबल मॉर्टेलिटी रेट 10% से गिर जाएगा। इसका मतलब दुनिया भर में हर साल 80 लाख डेथ्स कम होगी। लॉस्ट वर्किंग डेज और हेल्थ केयर मिलाकर पूरे साल में $1 ट्रिलियन बच जाएंगे। $1 ट्रिलियन भारतीय रुपए में होता है लगभग 70 लाख करोड़ रुपए। इतना पैसा बचेगा। इसकी वजह से हेल्थ एंड मेडिकल बिजनेसेस में काफी भारी गिरावट आएगी। अब बात करते हैं, क्या वेजिटेरियन डाइट हमें क्लाइमेट चेंज से बचा सकता है? ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है, लेकिन इस टॉपिक से कनेक्टेड है। पूरे साल में दुनिया भर में करीब 350 करोड़ काओ, शिप, पिग्स और 1000 करोड़ से ज्यादा चिकन्स को खाया जाता है। अगर अर्थ की पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो एवरेजली 2 लोग कोई 1 कैटल और 4 चिकन को कंज्यूम करते हैं पूरे साल में। सबके वेजिटेरियन बन जाने से ये कंजम्पशन रुक जाएगा। इससे कैटल्स की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो हमें एग्रीकल्चरल लैंड बड़ा करना पड़ेगा। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये गैसेस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, जिससे हमें क्लाइमेट में चेंज देखने मिलता है। 25% ग्रीन हाउस गैसेस जानवर ही पैदा करते हैं पूरे साल में, जितना सारी दुनिया के एयरक्राफ्ट, शिप्स, ट्रेन्स और कार्स मिलाकर जितना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं, उससे ज्यादा मीथेन जानवर पैदा करते हैं, स्पेशली काउज। आप सोच रहे होंगे कैसे? एवरेजली एक काउ से पूरे साल में 120 किलोग्राम मीथेन रिलीज होता है। पूरी दुनिया में 150 करोड़ काउ है, तो अब आप समझ सकते हो कितना मीथेन सिर्फ काउ से रिलीज होता है। बाकी कैटल्स का एक तरफ, मीथेन गैस का नेगेटिव इफेक्ट हमारे एटमॉस्फेयर पर 23% ज्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपेयर में। अगर सारी दुनिया वेजिटेरियन बन जाती है तो कैटल्स की पॉपुलेशन बढ़ेगी और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन भी बढ़ जाएगा, और हमें नॉन वेजिटेरियन डाइट का गैप फिल करने के लिए और ज्यादा अनाज उगाना पड़ेगा। हो सकता है शिप्स और पिग्स जंगल की तरफ वापस चले जाए, लेकिन प्रेडेटर्स की वजह से उनकी संख्या भी घटती जाएगी। और ब्रॉयलर चिकन्स की बात करें तो उन्हें पता ही नहीं है बाहर कैसे सरवाइव करे, क्योंकि इनका केयर टेकिंग इंसान ही करते हैं। जब चिकन्स या दूसरे जानवरों से इंसानों को कोई फायदा नहीं रहेगा, तो इंसान उन पर ध्यान देना ही बंद कर देंगे। सारे इंसान नहीं, पर मेजोरिटी में।
अब बात करते हैं इससे वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा। जो एम्प्लॉयज है काम करने वाले इस चीज से जुड़े हुए, जैसे बटचर, कसाई, पाउल्ट्री वाले और जो भी व्यापारी जो इस नॉनवेज फूड सेक्टर से जुड़े हो, वो सारे रातों रात बेरोजगार हो जाएंगे। उन्हें अपनी जिंदगी जीने के लिए कोई दूसरा कारोबार या काम ढूंढना होगा। इनके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज जो नॉनवेज फूड सेक्टर में है, जैसे ये सारी कंपनीज, इनके शेयर्स गिरने लगेंगे और हो सके तो कंपनीज बैंकरप्ट हो जाए। इससे उन कंपनीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज भी अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, जिसकी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी में एक मेजर क्राइसिस देखने मिलेगा और फिर धीरे धीरे इकोनॉमी को स्टेबल होने में काफी वक्त लग जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी चीजें होने की पॉसिबिलिटीज है अगर सारी दुनिया रातों रात वेगन या वेजिटेरियन बन जाती है तो। इस बारे में आपकी क्या राय है? कुछ ना कुछ राय तो जरूर होगी, अच्छी बुरी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। दोस्तों, आगे ऐसी ही वीडियोज इस चैनल पर आती रहेगी। वीडियोज आपसे मिस ना हो जाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर दबाना। तब तक ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।